राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून की विदाई से पहले सक्रियता देखने को मिली है। रविवार को कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के बाद सोमवार सुबह भदभदा और कलियासोत डैम के एक एक गेट खोले गए, जिससे जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में इस साल सामान्य से करीब 38% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने लोकल 18 को बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिला। रविवार को भोपाल में दिन भर धूप खिलने के बाद अचानक बादल छा गए और रात को तापमान में भी हल्की गिरावट देखने को मिली। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के सभी तालाब और डैम लबालब भर चुके हैं। नमस्कार, मैं अभिजीत चक्रवर्ती, मौसम विज्ञानी। पिछले 24 घंटों में पूर्व मध्य प्रदेश में स्कैटर रेनफॉल तथा पश्चिम मध्य प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेनफॉल दर्ज किया गया है। सर्वाधिक रेनफॉल पन्ना डिस्ट्रिक्ट में 122.2 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। सिचुएशन की बात करें तो एक अपर या सरिसर नॉर्थ वेस्ट एफ के ऊपर बना हुआ है, जो समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर तक बना हुआ है तथा एक अपर या सरिसर गुजरात के ऊपर भी बना हुआ है। इसके चलते जो पहला दिन का फोरकास्ट है उसमें आप जो साउथ वेस्ट पार्ट के देख सकते हैं, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इन जिलों में कहीं कहीं हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। बाकी जगह थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनी रहेगी। आने वाले दिनों में ये सिस्टम जो है कमजोर हो जाएगा और रेनफॉल एक्टिविटी में कमी देखने को मिलेगी। रेनफॉल मोस्टली आइसोलेटेड टू मॉडरेट फॉर्मेट में देखने को मिलेगा और एज सच नो वार्निंग रहेगा। मौसम ने पिछले कुछ दिनों से करवट बदली हुई है, जिसका असर मध्यम से तेज बारिश के रूप में देखने को मिल रहा था। इस दौरान भोपाल में 2.5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने तापमान में हल्की वृद्धि के साथ मानसून की विदाई के भी संकेत दे दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल के बाद मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे तापमान में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। रविवार रात को कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के बाद भोपाल के भदभदा और कलियासोत डैम के एक से एक गेट सोमवार सुबह खोले गए। सुबह भदभदा डैम का एक गेट खोला गया, जिसके कुछ देर बाद कलियासोत डैम का भी एक गेट खुला। इसके अलावा केरवा डैम के गेट से भी पानी छलक रहा है। इस सीजन में कलियासोत डैम के गेट 14 बार खोले जा चुके हैं, जबकि भदभदा डैम के गेट भी 10वीं बार खोले गए हैं। इन डैमों का भर जाना एक अच्छी खबर है, खासकर खेती और पीने के पानी के लिए। पिछले कुछ साल में सूखे की स्थिति के चलते इस साल की बारिश ने किसानों और स्थानीय निवासियों को राहत दी है।